हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। गाइज, मैं सरोज कुमार शर्मा, आज मैं आपको इस वीडियो में तीन लाजवाब एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताऊंगा। गाइज, आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है वो काफ़ी लाजवाब है। अतः आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा से समझें। जैसे यदि आपको अंग्रेजी में कहना होगा, तुम किसी से कम नहीं हो, बोलने में वो किसी से कम नहीं था, वो किसी से कम नहीं लग रहा था, तो ऐसे वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, चलिए आज के वीडियो में हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर वर्ड है सेकेंड टू नॉन। सेकेंड टू नॉन जिसका अर्थ होता है किसी से कम नहीं। सेकेंड टू नॉन जिसका अर्थ होता है किसी से कम नहीं। चलिए इसका यूज स्ट्रक्चर में कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड और लास्ट में आप यूज करेंगे सेकेंड टू नॉन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेकेंड टू नॉन। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज, एम, आर, वाज, वेयर, इटीसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था, उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था। हिज टैलेंट वाज सेकेंड टू नॉन। हिज टैलेंट वाज सेकेंड टू नॉन। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था। हिज टैलेंट वाज सेकेंड टू नॉन। नेक्स्ट है तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी और से कम नहीं हो, या तुम किसी से कम नहीं हो, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू आर सेकेंड टू नॉन। यू आर सेकेंड टू नॉन, तुम किसी से कम नहीं हो। यू आर सेकेंड टू नॉन, तुम किसी से कम नहीं हो। नेक्स्ट, आपका पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है, आपका पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है। योर वे ऑफ टीचिंग इज सेकेंड टू नॉन। आपका पढ़ाने का तरीका किससे कम नहीं है। योर वे ऑफ टीचिंग इज सेकेंड टू नॉन। योर वे ऑफ टीचिंग इज सेकेंड टू नॉन। नेक्स्ट है परेशान क्यों हो, परेशान क्यों हो, तुम किसी से कम नहीं दिख रहे हो। व्हाई आर यू ऑफसेट, व्हाई आर यू ऑफसेट, यू आर लुकिंग सेकेंड टू नॉन। व्हाई आर यू ऑफसेट, यू आर लुकिंग सेकेंड टू नॉन। परेशान क्यों हो, तुम किससे कम नहीं दिख रहे हो। व्हाई आर यू ऑफसेट, यू आर लुकिंग सेकेंड टू नॉन। नेक्स्ट है एक सिंगर के रूप में वो किसी से कम नहीं है, एक सिंगर के रूप में वो किसी से कम नहीं है। एज अ सिंगर ही इज सेकेंड टू नॉन। एज अ सिंगर ही इज सेकेंड टू नॉन। एक सिंगर के रूप में वो किसी से कम नहीं है। एज अ सिंगर ही इज सेकेंड टू नॉन। मेरी पुरानी कार किसी से कम नहीं थी, मेरी पुरानी कार किसी से कम नहीं थी। माई ओल्ड कार वॉज सेकेंड टू नॉन। यहाँ ठीक यूज किया गया है, अतः मैंने वाज लगाया है। माई ओल्ड कार वाज सेकेंड टू नॉन। मेरी पुरानी कार किसी से कम नहीं थी। नेक्स्ट है अगर तुम सीरियसली प्रैक्टिस करोगे तो किसी से कम नहीं होगे। अगर तुम सीरियसली प्रैक्टिस करोगे तो किसी से कम नहीं होगे। इफ यू प्रैक्टिस सीरियसली यू विल बी सेकेंड टू नॉन। इफ यू प्रैक्टिस सीरियसली यू विल बी सेकेंड टू नॉन। अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर टू, जिसका स्ट्रक्चर वर्ड है हेड टू टू, जिसका अर्थ होता है ऊपर से नीचे तक। हेड टू टू जिसका अर्थ होता है ऊपर से नीचे तक। इसे टॉप टू टू भी बोल सकते हैं, टॉप टू टू भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे वो ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, वो ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। ही वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लॉथेज हेड टू टू। वो ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने थे। ही वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ इज हेड टू टू। नेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, इसको हम दूसरे तरह से बना सकते हैं। ही वॉज वेयरिंग ब्लैक क्लॉथ इज फ्रॉम हेड टू टू, या फ्रॉम भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे उसने ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगा। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और हंसने लगा। ही सा हर हेड टू टू एंड स्टार्टेड लाफिंग, या कहिए ही सा हर हेड टू टू एंड बिगेन टू लाफ। ठीक है, बिगेन टू लगाइए या स्टार्टेड लगाइए, ठीक है, कोई लगा सकते हैं। अगला है
मेरी बॉडी ऊपर से नीचे तक पेन कर रही है, मेरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक दर्द हो रहा है, माई बॉडी इज गेटिंग पेन हेड टू टू, माई बॉडी इज गेटिंग पेन हेड टू टू। नेक्स्ट है, वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था, वो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था, ही वॉज ड्रेंच्ड हेड टू टू, या ही वॉज ड्रेंच्ड फ्रॉम हेड टू टू, फ्रॉम लगाएं या कोमा लगाएं, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर थ्री है, स्ट्रक्चर नंबर थ्री जिसका स्ट्रक्चर वर्ड है व्हाट्स द यूज ऑफ, काफ़ी लाजवाब है, व्हाट्स द यूज ऑफ, का फ़ायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ जिसका मतलब होता है क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ, क्या फ़ायदा। जैसे इसका रूल्स हो गया, सबसे पहले आप व्हाट्स द यूज ऑफ लगाएंगे, फिर व्हाट में आई जोड़ेंगे, इसका नाउन और अदर वर्ड देना है। सबसे पहले आपको व्हाट्स द यूज ऑफ लगाना है, फिर व्हाट में आई जोड़ना है, फिर नाउन लगाइए और अदर वर्ड देकर क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। जैसे वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, या क्या फ़ायदा वहाँ जाने का, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ गोइंग देयर। नेक्स्ट है, अब रोने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग, व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग, अब रोने का क्या फ़ायदा, व्हाट्स द यूज ऑफ क्राइंग, अब रोने का क्या फ़ायदा। सजाने का क्या फ़ायदा, जब हम इस घर को बेच रहे हैं, सजाने का क्या फ़ायदा जब हम इस घर को बेच रहे हैं। व्हाट द यूज ऑफ डेकोरेटिंग व्हेन वी आर सेलिंग दिस हाउस, व्हाट द यूज ऑफ डेकोरेटिंग व्हेन वी आर सेलिंग द हाउस, सेलिंग दिस हाउस। बिना इंटरनेट के मोबाइल का क्या फ़ायदा, बिना इंटरनेट के मोबाइल का क्या फ़ायदा, विदाउट इंटरनेट व्हाट द यूज ऑफ मोबाइल, विदाउट इंटरनेट व्हाट द यूज ऑफ मोबाइल। नेक्स्ट है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई का अगर जॉब नहीं मिल रही है, व्हाट द यूज ऑफ योर एजुकेशन इफ यू आर नॉट गेटिंग जॉब, व्हाट द यूज ऑफ योर एजुकेशन इफ यू आर नॉट गेटिंग जॉब। नेक्स्ट है, चलिए तो आज हम लोग अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।